हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम हिस्ट्री सब्जेक्ट जो कि है हिस्ट्री 1200 से 1700 की, उसका यूनिट वन आज की वीडियो में हम देखेंगे। यूनिट वन का नाम है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। काफ़ी बड़ा यूनिट होने के कारण इस यूनिट को हम तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट वन है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सिलेबस और आपके एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है, ये जो नोट्स हैं ये आपके बनाए गए स्टडी मटेरियल को पढ़ के, तो ये जितने भी नोट्स के पॉइंट हैं ये सब उसी में से देख के बनाए गए। अब देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव रखी थी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले का सुल्तान था, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना रखी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जो नींव थी वो रखी थी। तो आपसे ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किसने जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी 1206 में। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। अंत है भारत में उसका छोड़े गए साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक ही बना। मोहम्मद गौरी का कोई अपना पुत्र नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके यहाँ काम करता था। तो जिस प्रकार मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई उसके बाद ही उसका सारा का सारा साम्राज्य मिल गया कुतुबुद्दीन ऐबक को संभालने के लिए, ठीक है। ये फोटो देख सकते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की फोटो है। ये कुतुब मीनार उसी के द्वारा बनवाया गया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 तक। गौरी वंश की सैनिक विजय में कुतुबुद्दीन ऐबक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी का जो सैनिक है, ठीक है, सैनिक विजय, जितनी भी मोहम्मद गौरी ने सैनिक विजय करी है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिकॉज ये उसकी सेना में था और ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसको काफ़ी ज़्यादा दिमाग हुआ करता था, ठीक है। वो अपने सोच और सूझबूझ से काफ़ी प्रकार की जो लड़ाइयाँ हैं उसे जीत लिया करता था। तो कुतुबुद्दीन ही था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन की सैनिक योग्यता और वफादारी को देखकर उसे भारत में स्थापित तुर्की साम्राज्य का वायसराय बनाया और 1206 में मलिक की उपाधि प्रदान की, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सैनिक योग्यता और उसकी वफादारी को देखकर ये मोहम्मद गौरी ने उसे तुर्की साम्राज्य का क्या बना दिया, वायसराय बना दिया, जो कि भारत में स्थित था, और 1206 में उसे मलिक की उपाधि भी प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक और राजा आया, वो था शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 36। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्की अमीर ने कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अब क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके बाद तुर्की के जो अमीर थे उन्होंने कुतुबुद्दीन के पुत्र आराम शाह को उस गद्दी पर बैठा दिया राज करने के लिए। इल्तुतमिश बदायूं का एक हकीम था और इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और आगे बढ़कर आराम शाह को लड़ाई के मैदान में हरा कर उसको मौत की घाट उतार दिया और खुद सुल्तान बन बैठा। तो इल्तुतमिश जो था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये एक हकीम हुआ करता था, ठीक है, काफ़ी आप कह सकते हैं कि छोटी फैमिली से आया था। तो इसने आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन का पुत्र था उसको लड़ाई का मौका दिया, ठीक है, लड़ाई जंग के लिए ऐलान कर दिया। उसके बाद लड़ाई में उसे हराया, उसको मौत के घाट उतार कर खुद सुल्तान की गद्दी हासिल की। फिर आता है इल्तुतमिश की सफलताएं। इल्तुतमिश की पहली सफलता के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहासकार बताते हैं कि जब इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तो उसने अनेक कठिनाइयां तथा अनेक दावेदारों की चुनौतियां थी। उन सब पर विजय प्राप्त करके वह दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने में सफल रहा। तो अब क्या हुआ इस लाइन का मतलब कि जब इल्तुतमिश दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा तो उसके बाद उसके सामने कई प्रकार की कठिनाइयां भी थी और साथ में कई लोग ऐसे कई दावेदार भी थे जो कि चाहते थे कि दिल्ली उनके हाथ में आ जाए, ठीक है, वो दिल्ली का दावा करते थे। तो इन सब के ऊपर उसने क्या करी, विजय प्राप्त करी और दिल्ली को एक सुदृढ़ बनाने में सफल रहा। उसके बाद बताया गया
कि इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसे दिल्ली सल्तनत के सम्मान के अनुकूल सुंदर और वैभवपूर्ण भी बनाया। अब इल्तुतमिश ने लाहौर से जो राजधानी है वो दिल्ली शिफ्ट कर दी, साथ में दिल्ली सल्तनत को एक अनुकूल सुंदर और वैभवपूर्ण भी बनाया, मतलब दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया ताकि जिससे लगे कि हाँ वो एक राजधानी बनने लायक है। उसने दिल्ली के विभिन्न तालाब, मदरसे, मस्जिद, इमारतें बनवाई, ठीक है। तो दिल्ली में कई प्रकार की चीज़ें बनाई, तालाब बनवाए, मदरसे बनवाए जो कि मुस्लिम स्कूल होते हैं, मस्जिद और इमारतों का निर्माण करवाया। उसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया जो प्रारंभिक इस्लामिक कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना गया है, ठीक है। तो कुतुब मीनार का काम कुतुबुद्दीन, जो क्या आप कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन के समय से स्टार्ट हो चुका था, तो इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा करवाया क्योंकि ये जो कुतुब मीनार था, इमारत थी, ये इस्लामिक कला का एक श्रेष्ठ नमूना मानी गई है। अब बात करें उसकी उपलब्धियों की, तो यहाँ हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा इल्तुतमिश की उपलब्धियों से अवगत करेंगे। तो पहला आता है कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, ठीक है। तो इल्तुतमिश पहला एक ऐसा शासक था जिसने शासन व्यवस्था में जो सुधार है, इम्प्रूवमेंट है, उसको करने की कोशिश करी थी। प्रथम तुर्क सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उन्होंने एकता व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने केंद्र के नियंत्रण में एक स्थायी सेना का गठन भी किया, ठीक है। तो एक स्थायी सेना बनाई गई थी केंद्र के नियंत्रण में, मतलब कि केंद्र जो इल्तुतमिश की पूरी राज्य व्यवस्था है उसमें जो केंद्र है उसके पास एक सेना होगी, वो और वो सेना क्या करेगी, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होगी। एक प्रकार से भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। कुतुब अमीर के दमन, ठीक है, कुतुबु के जो अमीर लोग थे उनका दमन किया गया। राज्य आरोहण का विरोध करने वाले अमीर और सरदारों को इल्तुतमिश ने पूरी शक्ति से दमन कर दिया उनका। फिर आता है इल्तुतमिश ने 1230 में दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को फिर दिल्ली राज्य में मिला दिया। तो 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण करके, दूसरी बार आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला दिया। राजपूतों का दमन, इल्तुतमिश ने 1231 में ग्वालियर और जोधपुर पर अपनी विजय प्राप्त करी थी। खलीफा द्वारा सम्मानित होना, 1228 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को शासन अधिकार की स्वीकृति पत्र प्रदान किया, ठीक है। तो जो बगदाद का जो खलीफा था उसने इल्तुतमिश को भी पुरस्कारित किया है। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 30 अप्रैल 1236 में। अब इसके बाद आता है इल्तुतमिश के बाद गयासुद्दीन बलबन आता है, ठीक है, 1266 से 1286 तक। तो आप देख सकते हैं कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और 1266 में आप कह सकते हैं कि गयासुद्दीन बलबन आया। तो इस समय काल के दौरान, इस कब समय काल के बीच के दौरान कई ऐसे राजा बैठे जिनका शासनकाल ज़्यादा बड़ा नहीं चला, कोई कुछ साल चला, कोई कुछ साल चला, ठीक है। तो इसके जो इस शासनकाल के दौरान जो राजा हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है गयासुद्दीन बलबन। अब इसके बारे में बात करते हैं, तो बचपन में बलबन को मंगोल उठाकर ले गए थे और गजनी ले जाकर उन्हें बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन उसे दिल्ली ले आए। तो क्या हुआ कि बलबन को मंगोल उठाकर ले गए थे, ठीक है, और कहाँ ले गए उसे, गजनी ले जाकर उसे बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन के द्वारा बेच दिया गया, ठीक है। उसके बाद जमालुद्दीन उसे दिल्ली ले गया। वहाँ से इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और उसकी योग्यता से प्रभावित हो उसे खासदार का पद सौंप दिया। तो इल्तुतमिश जो कि इससे बलबन से पहले का जो काफ़ी बड़ा शासक था जिसका शासनकाल काफ़ी लंबा चला, इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया था ग्वालियर में, ठीक है, और उसको एक खास औहदा भी प्रदान किया। रजिया के शासनकाल में वह अमीर
ए शिकार के पद पर था, ठीक है। तो रजिया के शासनकाल के दौरान उसे एक पद मिला हुआ था जिसका नाम था अमीर ए शिकार। रजिया के बाद उसका भाई मुजद्दुद्दीन बहरम शाह 1240 से 42 तक गद्दी पर बैठा। बहरम शाह के शासनकाल के दौरान अमीर ए अखूर अशुशाला का प्रधान बना, ठीक है। तो बलबन क्या बना, अमीर ए अखूर था। अमीर अखूर से तात्पर्य है कि अश्वशाला का प्रधान, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं उस जगह का प्रधान व्यक्ति, ठीक है। कौन बना, बलबन बना। बहरम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46 गद्दी पर बैठा, ठीक है। बहरम शाह के बाद कौन बैठा, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह के काल में ही बलबन ने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरंभ कर दिया था, तो ठीक है। तो मसूद शाह का जो शासनकाल था उसी के दौरान बलबन को पता चल गया था कि अब उसे अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में उसे अगर गद्दी के ऊपर अपना दावा तय करना है तो उसके लिए उसके पास पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मसूद शाह की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन महमूद 1246 से 65 तक गद्दी पर बैठा। नसरुद्दीन के समय में सुल्तान व तुर्की सरदारों में जो संघर्ष चल रहा था वह ख़त्म हो गया। अब ठीक है, अब ये देखिए कि नसरुद्दीन का जो समय काल था उस समय काल के दौरान सुल्तान के बीच और तुर्की के सरदारों के बीच शक्ति संघर्ष चल रहा था, तो वो समाप्त हो गया था। नसरुद्दीन एक शांतिप्रिय शासक था, वह खाली समय में कुरान की आयतों की नकल करता था। फिर आता है, नसरुद्दीन ने अपने शासन की बागडोर बलबन को सौंप दी और उसे उगलू खां की उपाधि भी प्रदान की। तो अब जब नसरुद्दीन को लगा कि अब उसका जो है समय काल ख़त्म होने वाला है, तो उसने बलबन को पूरी की पूरी जो राजपाट था वो बलबन को सौंप दिया, ठीक है, और उसे उगलू खां की उपाधि भी प्रदान की, ठीक है, उलूग खां की उपाधि भी प्रदान की। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से भी कर दी थी। नसरुद्दीन के समय से ही बलबन ने 1256 में मंगोल नेता हलाकू खां से समझौता करके पंजाब में शांति कायम करी। अब नसरुद्दीन के समय से ही बलबन ने क्या करा, 1856 में मंगोल का एक नेता था हलाकू खां, उससे क्या करा, समझौता कर लिया और पंजाब में शांति को स्थापित किया। इब्न नुत्ता की संरचना रहोला के अनुसार बलबन ने नसरुद्दीन महमूद की हत्या की और स्वयं गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। तो एक किताब है या आप कह सकते हैं एक रचना है रहेला, जिसके अनुसार बलबन ने नसरुद्दीन की क्या करी थी, नसरुद्दीन महमूद की हत्या करी और उसके बाद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। बलबन ने स्वयं को फिरसौदा के शाहनामा में वर्णित अफसर साहिबा वंश से बताता है, ठीक है। तो बलबन जो था वो ये बताता है कि वो किस वंश से बिलोंग करता, अफसरा सियाब वंश से बिलोंग करता है। मिनहाज उस सिराज हिंद ने अपनी संरचना तबकाते नसीरी इसी नसरुद्दीन के समर्पित की, ठीक है। तो मिनहाज सिराज जो कि हिंदी में एक संरचना है, ठीक है, तबकते नसीर उसे किसको प्रदान करी थी, नसरुद्दीन को समर्पित कर दी थी। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो बलबन सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। जब समय आया तो बलबन क्या बना, सुल्तान बनकर गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। बलबन का शासनकाल 1265 से 87 तक चला। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान के पद की गरिमा कायम करी और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा का प्रबंध किया। तो अब जब बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसके बाद अब उसने पहला काम करा कि दिल्ली को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसीलिए उसने दिल्ली से सुरक्षा संबंधित कार्य सबसे पहले किए। उसके बाद आता है, जो इल्तुतमिश ने 40 एक दल बनाया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या करा था, 40 व्यक्तियों का एक दल बनाया था जो कि काफ़ी शक्तिशाली था, तो बलबन ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया क्योंकि उन अमीरों का सत्ता में दखल बहुत अधिक था और इल्तुतमिश निरंकुश शासन चलाना चाहता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश चाहता था कि कोई भी उसके शासन व्यवस्था में जो है हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए उसने पूरे के पूरे दल को ही समाप्त कर दिया,
बलबन, सॉरी बलबन पूरी तरह से क्या निरंकुश शासन चलाना चाहता था, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 व्यक्तियों का दल को पूरी तरह से बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। यह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रस्तुत किए। अब बलबन जब सत्ता में आया तो वो एक पहला व्यक्ति था ठीक है जिसने सुल्तान की सारी शक्तियों का प्रयोग किया। साथ में उसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में भी कई सारे विचार प्रस्तुत किए। वह कुरान के नियम को शासन की व्यवस्था का अधिकार मानता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है होता है ठीक है। तो कुरान में जो नियम लिखे गए थे उसके अकॉर्डिंग शासन चलाया जाता था बलबन के द्वारा। तो कुरान में लिखा गया था कि जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर ईश्वर का ही क्या है प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये वो अपने आप को ईश्वर मानता था, बलबन अपने आप को ईश्वर मानता था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लोह नीति अपनाई। बलबन ने कहा कि सुल्तान का पद ईश्वर के समान होता है तथा सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। उसके अनुसार राजा को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, इसीलिए उसके कार्यों में सार्वजनिक जांच नहीं होनी चाहिए। तो बलबन ये भी मानता है कि कुरान में जिस प्रकार लिखा गया है कि जो सुल्तान है वो पृथ्वी पर किसको प्रतिनिधित्व कर रहा है, ईश्वर को प्रतिनिधित्व कर रहा है ठीक है। तो वो पूरी तरह से निरंकुश शासन चलाना चाहता था और चाहता था कि कोई भी उसके कार्यों में हस्तक्षेप या फिर सार्वजनिक जांच की मांग ना करे। फिर आता है बलबन ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के बाद जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि भी धारण करी। तो बलबन ने खुद को एक उपाधि प्रदान करी जिल्ले इलाही, जिसका मतलब है ईश्वर का प्रतिबिंब, मतलब ईश्वर का एक आप कह सकते बिल्कुल ईश्वर जैसा ही का प्रति उपाधि को धारण भी किया। वह शासक वर्ग में केवल उच्च कुल के लोगों को ही नियुक्त करता था। उसको छोटी जाति के लोगों को देखकर क्रोध आता था। बलबन कहता था कि मैं जब किसी छोटी जाति के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी नाड़ी क्रोध में उत्तेजित हो जाती है, यानी बहुत गुस्सा आता है ठीक है। तो बलबन को छोटी जाति के लोगों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता था, अपने राज्य व्यवस्था में बड़े कुल के लोगों को ही नियुक्त करता था। मतलब जो भी बड़ी बड़ी फैमिली से लोग आते थे उन्हीं को शासक काल में कार्य करने के लिए मौका दिया जाता था। बलबन दरबार में संपूर्ण वेशभूषा के साथ उपस्थित होता था। उसके दरबारी शिष्टाचार को कठोरता से लागू करते थे। उसके दरबार में ना कोई हंसता था ना कोई मुस्कुराता था। उसके समय दरबारियों को शराब पीना निषेध था ठीक है। तो बलबन ने आप कह सकते हैं दरबार के लिए काफ़ी कठिन नियम बना रखे थे कि प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में आना, वो खुद प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में आता था। साथ में उसके जो दरबारी हुआ करते थे वो जो रूल्स थे शिष्टाचार था ठीक है, इनको क्या करते काफ़ी अच्छे से फॉलो करते थे। ना ही कोई हंसता था और ना ही कोई मुस्कुराता था, और दारू पीना भी या शराब पीना भी मना था। बलबन ने ईरानी परंपराओं के अनुसार कई परंपराएं आरंभ करी, जिसमें सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पेबीस सुल्तान के चरण को चूमना जैसी व्यवस्थाएं लागू की, जिनका उद्देश्य साफ साफ सुल्तान की प्रतिष्ठा को वृद्धि करना था ठीक है। तो बलबन ने क्या करा, ईरान में कुछ परंपराएं होती थी जैसे कि सिजदा, जिसमें भूमि पर लेटकर जमीन पर लेटकर अभिवादन करते हैं राजा को, या फिर पैबेस, जिसका मतलब है कि राजा के कदम चूमना ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस प्रकार की जो नियम है उसने लागू करे थे ताकि जो सुल्तान है उसकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा बढ़ जाए। बलबन ने फारसी रहन सहन की परंपराओं को भी अपनाया। अपने पौत्रों के नाम भी फारसी सम्राट की तरह रखे, केकुबाद और के खुसरो, ये उसने नाम रखे थे। बलबन के दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नौराज काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इसकी शुरुआत बलबन के समय से ही होना चालू हुई थी। बलबन ने अपने भाई शेर खां को जहर देकर मरवा डाला। 1885 में मंगोल ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, और जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मंगोल से लड़ते हुए मारा गया। अब क्या हुआ, 1885 में एक आक्रमण हुआ ठीक है, जिसमें क्या हुआ, मोहम्मद जो कि उसका पुत्र था बलबन का, वो भी गुजर गया युद्ध में।
अपने पुत्र की मृत्यु के बाद बलबन को गहरा आघात पहुंचा तथा शीघ्र ही कुछ वर्षों के अंदर बलबन की भी मृत्यु हो गई। 1886 में, मतलब एक साल के अंदर ही बलबन चल बसा। उसके बेटे की मृत्यु के एक साल बाद ही बलबन की मृत्यु हो गई। अब आता है बलबन के शासनकाल की उपलब्धियाँ। उसने अपने शासनकाल में जमी पैबाज और सजदा प्रथा की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने आने पर घुटने के बल झुककर अपने सिर से जमीन चूमता था और सुल्तान को सम्मान करता था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, ईरान की कुछ प्रथाएं थी जो कि बलबन ने अपने समय काल में अपना रखी थी। ठीक है, तो पैबास हो गया, सजदा हो गया, जिसमें कि घुटने पर बैठकर जमीन को चूमकर राजा को क्या दिया जाता था, अब राजा का अभिवादन किया जाता था। उसने अपने शासनकाल में ईरानी प्रथा देवात्व का अधिकार से प्रचारित किया कि वह पृथ्वी व ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। उसने अपने शासनकाल के दौरान काफ़ी प्रकार की प्रथाओं को माना था। ठीक है, तो एक ईरानी प्रथा थी देवत का अधिकार, जिसका आप कह सकते हैं कि जिसमें पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है सुल्तान, ये उस प्रथा में बताया जाता है। फिर आता है उसने 40 का दल चहलगानी के प्रभाव को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसने उलमाओं को राज्य के किसी भी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, तो राज्य का कोई भी मामला हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर सामाजिक कार्य हो, उलमाओं को उसमें हस्तक्षेप करने की कोई भी जो आप कह सकते हैं शक्ति प्राप्त नहीं थी। उसने अपने शासनकाल में किसी भी संस्था, चाहे वह सेना हो, शासनिक कार्य हो या प्रशासन, की हिंदुओं का प्रवेश अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, तो बलबन ने क्या कर रखा था, हिंदुओं को तो पूरी तरह से अलग कर रखा था। वो समझता था हिंदू मुस्लिमों से बिल्कुल ज़्यादा भिन्न हैं। ठीक है, तो इसके लिए उसने अपने शासनकाल के दौरान एक प्रकार से किसी भी हिंदू को ना ही सेना में और ना ही राज्य के किसी कार्य में हस्तक्षेप करने की और कार्य करने की अनुमति दी थी। उसने मंगोल के खतरे का मुकाबला करने के लिए दिल्ली सल्तनत की सेना को बृहद स्तर पर संगठन और समायोजन किया। अब दिल्ली की सेना, उनको पता चल गया था कि मंगोल कभी भी हमला कर सकते हैं, तो उसने दिल्ली की सेना को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ बनाया, शक्तिशाली बनाया। इस कार्य के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया। उसका प्रमुख अर्ज मुमालिक को भी बनाया था। बलबन का उत्तराधिकारी उसका पोता केकुबाद बना, जो पूरे तरह शासन के कार्यों में असक्षम था और साम्राज्य को बराबर बरकरार रखने में सक्षम नहीं था। तो अब क्या हुआ, जब बलबन का समय काल पूरा होने वाला था तो उसने अपने पुत्र को सारे के सारे अधिकार दे दिए। ठीक है, केकुबाद, तो उसका जो पुत्र था वो शासन को नहीं चला पाया अच्छे से, और राज्य को जो बरकरार चलाने में, जो कि लंबे समय तक चलना चाहिए था, वो नहीं चला पाया और असक्षम रहा। ठीक है, तो ये थे आपके यूनिट 1 के पार्ट 1 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी ये इसमें 2 पार्ट्स और आएंगे, बिकॉज चैप्टर काफ़ी लेंथी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम 2 से 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, सुल्तान के बारे में, उनकी हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इन वीडियोज़ को नोट्स बनाने में, तो आप प्लीज़ 1 लाइक तो जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस, और साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।